फ्रेंड्स, यह वीडियो मेरे पिछले वीडियो का सेकंड भाग है और पिछले वीडियो में मैंने आईज और नोज़ को ही बनाया था और इस वीडियो में मैं फेस के बाकी भाग को बनाऊंगा। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कर सकते हैं। और अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो पिंक और ऑरेंज है और ये डोम्स का कलर पेंसिल है और आइवरी का ड्राइंग शीट है। और अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वह चारकोल पेंसिल है, कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल। और ये रेड पेंसिल है। लिप्स का ऊपरी भाग रेड कलर है और डायरेक्ट ही रेड को यूज करेंगे तो हल्का सा पिंक कलर जैसा आ जाता है। इस कारण से मैं पहले इसमें ऑरेंज यूज किया हूँ, उसके बाद रेड यूज किया हूँ, जिसके कारण से यह पूरी तरह हमें रेड ही नज़र आए। और नीचे का लिप्स पिंक कलर का है, इसलिए मैं पहले लाइट पिंक का यूज कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं डार्क पिंक यूज करूँगा। कभी भी आप कलर पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले लाइट कलर का ही यूज करें और उसके बाद उसके ऊपर में लेयर चढ़ाते हैं तो डार्क का धीरे धीरे चढ़ाते जाएं। और इसमें हाईलाइट के लिए बीच बीच में मैंने मैकेनो इरेजर का भी यूज किया हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वह पेल ऑरेंज कहलाता है और यह स्किन कलर है। और चेहरे को कलर करते समय ज़्यादातर हम इसी पेंसिल का यूज करते हैं पहले, और यह लाइट कलर रहता है और इसके ऊपर में हम डार्कनेस के लिए बाकी कलर को चढ़ाते जाते हैं, जैसे कि कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पे ब्राउन या कहीं पे पिंक। जैसे भी मैं यूज कर रहा हूँ वह हल्का ब्राउन है जो कि हल्का ऑरेंज कलर जैसा दिखता है। और इसके बाद मैं इसमें और डार्क करने के लिए ऑरेंज कलर का यूज करूँगा और ये जो अभी यूज कर रहा हूँ वह ऑरेंज कलर है। और मैं जिस पेंसिल का यूज करता हूँ वह डोम्स के 24 कलर पैक वाला पेंसिल है जो कि 100 रुपीज़ में मिलता है और इसे आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और अधिक डार्क करने के लिए डार्क ब्राउन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो भी हल्के हल्के, और कहीं कहीं पे रेड का भी यूज किया हूँ। वो रिफरेंस फ़ोटो का ऑब्जर्वेशन करके कलर करना पड़ता है। और अभी एक जगह पिंक भी यूज किया हूँ हल्के से। अब इधर मैं पेल ऑरेंज का फिर से यूज कर रहा हूँ जो कि स्किन कलर है। और चिक्स पे बहुत ज़्यादा पिंक कलर है, इसलिए मैं यहाँ पे पिंक कलर कर रहा हूँ और हल्के रेड का भी यूज किया हूँ। और जब भी आप कलर करते हैं तो हल्के हल्के ही कलर करें, ज़्यादा पेंसिल को गणाएं ना। हल्के हल्के ही यूज करने में अच्छा से स्मूथ कलर हो पाता है और आपका पेपर भी ख़राब नहीं होता। फ्रेंड्स, यदि आप इस ड्राइंग का हेयर ड्राइंग वाला वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं हेयर ड्राइंग वाला वीडियो भी बना दूंगा। यहाँ पर ईयर में कहीं पे डार्कनेस है तो वहाँ पे डार्कनेस के लिए मैं पहले से ही चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और इसे मैं पेपर स्टम्प से हल्का से फैला लिया। अब इसके ऊपर मैं पेल ऑरेंज का यूज कर रहा हूँ और इसके ऊपर अब मैं ऑरेंज कलर का यूज करूँगा ब्राउन कलर लाने के लिए और डार्कनेस के लिए। और ऑरेंज के ऊपर अब मैं रेड कलर का यूज करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब फेस का कलर वाला पार्ट ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं हेयर ड्राइंग का भी बनाऊँगा।